जैसी भी आप लाइफ गुजार रहे हैं नाजरीन, इस वक्त जो मुझे दुनिया में कहीं भी सुन रहे हैं, आप करोड़ों से अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, आपसे नीचे करोड़ों लोग हैं जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में, जो आपको अल्लाह ने नहीं दिए, तो फिर शुक्र ही बनता है, शिकवा तो नहीं बनता। हर शेर पर सवा शेर होता है। आप अगर अपने से ऊपर वालों को देखेंगे तो कभी शेर ही नहीं होगी। अगर आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो अपने से कमतर लोगों को देखें, आपको बहुत मजा आएगा लाइफ में। आप इतने पुरसकून हो जाएंगे कि यार अल्लाह ने इतना मुझे नवाजा है। कभी भी अगर आप ऊपर वालों को देखेंगे तो टेंशन से आप बरी नहीं हो सकते। जैसे मिसाल के तौर पर कोई बंदा पैदल जा रहा था, तमन्ना कर रहा था साइकिल मिल जाए, जैसे ही साइकिल मिली बहुत खुश हुआ, मगर थोड़े दिनों बाद स्कूटर देखी तो जो साइकिल है ना उसकी जो एंजॉयमेंट थी खत्म हो गई, अब वो बुरी लगने लगी। स्कूटर मिल गई बड़ी दुआओं के बाद तो बड़ा मजा आया, लेकिन थोड़े दिनों बाद गाड़ी देखी तो स्कूटर बुरी लगने लगी। तो लोग दूसरों के घर देखकर अपने घर बुरे लगने लगते हैं, दूसरों की नेमतें देखकर अपनी नेमतें बुरी लगने लगती हैं। तो आप जो है आपके पास उसमें एंजॉय कब करेंगे? ये जब ही हो सकेगा कि जब आप जो आपके पास है उसको बहुत समझें, शुक्र अदा करें, तो आप अपनी लाइफ में बहुत खुश रहेंगे, वरना हर चीज बुरी लगने लगेगी और आप टेंशन में रहेंगे। वल्ला ये हम सबका प्रॉब्लम, अक्सर लोगों का प्रॉब्लम है, जो मेरे पास है मैं उस पर खुश नहीं हूं, जो नहीं है उसकी सोच परेशान कर रही है। ओ अल्लाह के बंदे, जो अल्लाह ने दिया उस पर मौज करो ना यार, अल्लाह ने करोड़ों से अच्छा बनाया, इंजॉय करो, बीवी बच्चों के साथ लाइफ गुजारे, किराए के घर वाला खुश रहे कि लोग झोपड़ी में है, झोपड़ी में रहने वाला खुश रहे, लोग रोड पर सो रहे हैं, मैं कहता हूँ रोड पर आजाद सोने वाला खुश रहे कि मैं कैद में तो नहीं हूँ। लाखों लोग इस वक्त भी कैद में है, कैद में रहने वाला भी इस बात पर इत्मीनान कर सकता है कि जहन्नम की कैद में तो नहीं हूं, दुनिया की कैद में हूं, अल्लाह इससे निकाल दे, आइंदा गुनाह नहीं करूंगा, जहन्नम की कैद में नहीं जाना। पैदल चलने वाला सोचे कि टांग के बगैर भी लोग हैं, हॉस्पिटल में लोग पड़े हुए हैं, इतने छोटे छोटे लोगों को अब कैंसर की बीमारियां हो रही हैं, छोटी उम्र में कैंसर फैल रहा है, अल्लाह ने इन बीमारियों से बचाया ना, मैं कहता हूं उसका कोई मोल ही नहीं है। करोड़ों रुपए हो आपके पास और आपको अल्लाह ना करे कैंसर हो जाए, अल्लाह ना करे आपके गुर्दे फेल हो जाए, किस काम का वो पैसा? अल्लाह ने मुझे और आपको अगर बड़ी बीमारियों से भी बचाया है ना, यकीन करो वारे न्यारे हैं, बस अल्लाह से दुआ करो मौला जो दिया वो बाकी रखना, जवाले नेमत से बचाना और शिकवा शिकायत से महफूज रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।